अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक ज़रूरत पर मबनी सरगर्मियाँ, जिसमें हमारी बहुत सी ज़रूरियात होती है, जिसमें सबसे पहला है अमली काम और तहज़ीबी सकाफती अमली काम। तहज़ीबी और सकाफती अमली काम यानी क्या? हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम घर की, कमरे की, स्कूल की, हमारे एतराफ़ बिल्डिंगों की सजावट करते हैं। किसी ख़ास मौके पर, किसी ख़ास रस्म पर या स्कूल में कुछ प्रोग्राम के वक्त हम सजावट करते हैं। उन सजावट के लिए हमें दरकार फूलों, मालाएं और हार की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन फूलों के बारे में पढ़ेंगे जिनके ज़रिए मालाएं और हार बनाए जाते हैं। सजावट के लिए जो फूल लगते हैं वो बहुत रंगीन होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और हार बनाने के लिए, माला बनाने के लिए कौन कौन से फूल, कौन से पत्ते, अलग अलग किस्म के फूल की ज़रूरत होती है और कौन कौन सी चीज़ें दरकार होती है, ये आज हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सो हार बनाने के लिए हमें जिन फूलों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहला फूल है गेंदे का फूल। बच्चों, इसे कहते हैं गेंदे का फूल। दिखाई दे रहा है आपको, पीले के रंग का होता है। उसके बाद ये है सेवंती का फूल, ये भी हार बनाने के लिए काम आता है। और ये जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है इसे कहते हैं कुंद का फूल। कुंद एक तरह का फूल है जो हार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें खुशबू भी अच्छी आती है और इसकी सजावट में और ज़्यादा बढ़ावा आने के लिए हम पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। पत्ते ये अशोका के पत्ते हैं। अब हम हार कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं हार बनाते हुए। हार बनाने के लिए हमें एक सुई की ज़रूरत पड़ेगी और एक धागे की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए हम हार बनाते हैं। सो बच्चों, हार बनाने के लिए हमें सुई और धागे की ज़रूरत थी जो कि हमने ले लिए है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास में पत्ते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से मोड़ देंगे और इसमें इसको ऐसे पुरोएंगे।